तो मनीषा रानी के फैंस अभिषेक कुमार पर भड़क चुके हैं। अभी एक ही दिन तो बिग बॉस 17 को शुरू हुए हुआ है और लोग भड़क गए। ऐसा क्या कांड कर दिया बंदे ने, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आई डोंट लाइक इट, मुझे इतना सा भी नहीं पसंद है। आई होप आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं पसंद होगा। और ये चीज़ कहीं ना कहीं अभिषेक कुमार में काफ़ी ज़्यादा झलकी है पहले दिन से। अभी कल वाली जो चीज़ें हुई थी, जिस तरीके से, आई एम नॉट सेइंग कि ईशा सही है पूरी तरीके से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप 10 बातें अच्छी बोलते हो, एक बात ऐसी बोलते हो जो कि पूरी तरीके से आपको गलत ठहरा देती है। वही बात जो है ना लिखी जाती है जो कि उस बंदे ने यूज़ करने वाली बात बोली। एक तरफ बोलता है फीलिंग्स है, उसको अभी तक के भूल नहीं पाया, इतना टाइम लगा ये वो, और दूसरे पल में यूज़ करने वाली बात बोल दी। और उसके बाद बिग बॉस के घर में जाकर कि क्या कलेश किया है, क्या लड़ा है बंदा। चलो ये तो बात हो गई शो की, लेकिन शो में जाने से पहले भी बंदे ने जब मनीषा का नाम आता है, सिद्धार्थ कनन को इंटरव्यू दिया, तो मनीषा का नाम आता है कि मनीषा को देख करके क्या आता है दिमाग में, तो वो कहते हैं मनीषा रानी कंटेंट देती है, फ्लड करती है सबके साथ, उसका टाका बेड़ा होता है, कभी एलविशा कभी अभिषा, फिर उसके बाद सिद्धार्थ कनन कह देते हैं टोनीशा भी कभी, तो इस तरीके की चीज़ वो बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपने बारे में भी ये चीज़ बोलते हैं। उन्होंने एक और चीज़ बोली टोनीशा तो अच्छा है, तो उनका ये भी कहना है कि मतलब मैं भी ऐसे ही टाइप का बंदा हूँ, दिल फेक हूँ, मुझे भी बिग बॉस के घर में कोई पसंद आएगी तो मैं भी बोल दूंगा दो चार को, कोई तो पट जाएगी, इस तरीके की वो बात कहते हैं। मनीषा और अभिषेक में डिफरेंस है ज़मीन और आसमान का। यहाँ पर मनीषा जो है ना, जब उन्होंने शुरुआत करी थी वीडियोज़ बनाने की, तो वीडियोज़ जो बना रही थी, जिस तरीके की उनके कॉन्टेंट था, वो लोगों को हंसाने के लिए था, कोई रियल लाइफ में वो वैसी पर्सन नहीं है। बिग बॉस के घर में भी कोई वो रियल लाइफ में चीज़ें नहीं कर रही थी। बिग बॉस में मनीषा को लाया गया था, एक लौती मनीषा ऐसी थी जिसको लाया गया था कि ये बंदी एंटरटेन करेगी, और उसके ऊपर वो प्रेशर था तो वो एंटरटेन कर रही थी, तो वो दिल फेक आशिक नहीं है कि किसी को भी देखा उसके पीछे लट्टू हो गई। बिग बॉस के बाहर आपने खुद देखा है चीज़ें, एलविश फोन करता था मनीषा आप कहाँ हो, मिलना है, तो क्या ऐसा हुआ कि मनीषा दौड़ी दौड़ी चली आई, बिकॉज शी इज़ दिल फेक आशिक, जैसे कि अभिषेक कुमार अपने आप को बता रहे हैं। तो यहाँ पर वो अपनी पर्सनालिटी को मनीषा के साथ जोड़ रहे हैं कि वो फ्लर्ट करती है और पटाती है, और क्या एक वर्ड बोला, टाका भिड़ाने वाला वर्ड बोला, तो ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अजीब लगी, क्योंकि आप किसी के लिए एक बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट दे रहे हो, और ये स्टेटमेंट आपने किस उसमें दे दी कि चलो बाहर कॉन्ट्रोवर्सीज होगी, ये होगा वो होगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको एक चीज़ बोल रखी है कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो पब्लिसिटी। अब ये बंदा जो है ना एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर होगा नो डाउट्स, लेकिन जिस तरीके से इसकी एंट्री हुई है यहाँ पर अपनी बातों को, जिससे कि जो इंटरव्यू हमने देखा था कि बिग बॉस ने दिखाया ईशा का, और इसका इंटरव्यू अभिषेक का दिखाया, तो उसमें देखो कि आप इतनी सारी बातें बोल रहे हो, ठीक है, इतनी सारी बातें बोल रहे हो, और ये बिग बॉस का इंटरव्यू था, ये नॉर्मल इंटरव्यू नहीं था। जब आप चीज़ें बोल रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप ऐसे कुछ भी नहीं बोल दोगे, ठीक है, रोज़ इस तरीके के इंटरव्यू नहीं होते। बिग बॉस एक साल में एक बार आ रहा है, तो आपका पहली बार इंटरव्यू हुआ होगा, तो आप सोच समझ करके बोलोगे, तो वो एक यूज़ करने वाली बात बोली, उसको मैंने पकड़ा कि मतलब एक तरफ बंदा प्यार करने वाली बात बोल रहा है, एक तरफ ऐसी बात बोल रहा है, तो ये अपनी बातों को इतना कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर स्टेज पर सलमान खड़े, दोनों लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, और उसके बाद घर में जाते ही बंदा लड़ रहा है, तो दिल फेक आशिक। एक चीज़ और बोलनी है कि मनीषा जो है ना वो दिल फेक आशिक नहीं है, वो जो है ना टाका भिड़ाने वाली पर्सन नहीं है। उसने जो भी चीज़ें बिग बॉस के घर में करी है वो किसी को एंटरटेन करने के लिए करी, चाहे वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट हो या फिर जनता ही क्यों ना हो, बिग बॉस के कंटेस्टेंट को भी वो एंटरटेन करती थी। और अगर बिग बॉस में मनीषा नहीं होती तो मसाला जो कहते हैं ना कि आप खाने में मसाला भूल जाइए, नमक भूल जाइए, तो उस चीज़ की मिसिंग रहती ही रहती। अभी यहाँ पर उसने अपने फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें नहीं करी हैं, अभी इनको जो है ना टाका भिड़ाना है, फेक चीज़ें करनी है, ये अपने फ़ायदे के लिए करनी है, बिकॉज उनको स्टे करना है बिग बॉस के घर में। तो इस तरीके की जब चीज़ें आई तो फैंस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया ही आया, और इस तरीके की बातें कोई भी पसंद नहीं करेगा।
तनीषा का क्रेज तो आप देख रहे हो, बवाल का क्रेज है। पहले क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो। थैंक यू।